हेलो दोस्तों, दिल की गहराई से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आप लोग अपने कीमती वक्त निकाल कर आते हैं अपने वीडियो देखने के लिए। तो इसके लिए तो सबसे पहले थैंक यू बोलूँगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन है मैं आप लोगों तक भेज पाऊँगा। तो देखिए, डायरेक्ट आ जाते हैं मुद्दे की बात पे। तो KEI इंडस्ट्री, ये जो कंपनी है, ये वायर केबल बहुत सारी टाइप की ये वायर केबल वगैरह बनाती है। अब ये बहुत बड़ी मल्टी वगैरह कंपनी है। अगर आप देखोगे तो इसने गिरावट के बाद कितना रिटर्न निकाल के दिया था, यहाँ से अगर आप देखोगे तो भाई इसने 27 या 30,000% का रिटर्न निकाल के दिया है गिरावट के बाद से। अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक 90% गिर चुका था। उसके बाद आप देख लीजिए किस तरीके से इसने जो है केवल 2013 से ही इतना खतरनाक रिटर्न निकाल के दिया। कितना, तो आप देख लीजिए 25 से 30,000% का रिटर्न निकाल के दिया। देख लीजिए दिया कि नहीं दिया। तो ये अब क्या है कि ये थोड़ी बड़ी कंपनी हो चुकी है, 18,000 करोड़ की कंपनी हो चुकी है। तो मैंने सोचा कि भाई क्यों ना इसका पार्ट टू ला के दिया जाए आपको। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये कंपनी किस टाइप के वायर बनाती है। तो ये है कंपनी का नाम, ऊपर आप देख सकते हो। अब इनके वायर वगैरह, इनके प्रोडक्ट दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ, इनके प्रोडक्ट देख लीजिए, इस टाइप के ये लोग वायर बनाते हैं। देख लीजिए इस टाइप के ये लोग वायर बनाते हैं। तो आप देख लीजिए, सब कुछ देख लीजिए, कंपनी का नाम वगैरह भी आपको बताया जाएगा। तो मैंने सोचा कि ये कंपनी में बहुत बड़ी हो चुकी है, तो मैंने इसी तरीके से सेम वायर बनाने वाली कंपनी, बस कंपनी छोटी है। अब कंपनी छोटी में जानबूझकर आप लोगों के लिए ढूंढ के लाया हूँ। पूछो क्यों? क्योंकि छोटी कंपनी रहेगी तो भविष्य में आपको बड़ा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी का नाम है वी मार्क इंडिया, ठीक है। अब ये केवल 100 करोड़ की कंपनी है, वो 18,000 करोड़ की कंपनी है, और ये केवल 100 करोड़ की कंपनी है, और ये कंपनी भी सेम वायर बनाती है। और क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। पहले कंपनी दिखा देता हूँ कि किस टाइप की, ये देख लीजिए सेम वायर है। आप चेक कीजिएगा तो आपको पता चलेगा, सारे वायर आपको पता चलेगा, यहाँ पर देख सकते हो। ये देख लीजिए, इस टाइप के वायर बनाती थी कि नहीं बनाती थी वो कंपनी, आप चाहो तो जाके देख सकते हो। और इस टाइप के भी वायर बनाती थी, तो ये सारे टाइप के वायर बनाती है, जो जो वो बनाती है वो बनाती है, देख लीजिए। और कुछ तो नए प्रोडक्ट भी लॉन्च होने वाले हैं इस कंपनी के, देख लीजिए, ठीक है। तो ये नॉर्मल है, हर जगह यूज़ होता है। ये LT केबल आपको देखने को मिला, ये LT केबल जो वो कंपनी बनाती थी, और ये भी देख सकते हो HT केबल, तो वो सारी कंपनी देख सकते हो कंपनी। एक मिनट, आप क्या देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो कैसे पता चलेगा कि ये और उसमें क्या क्या सेम है। तो ये वायर तो नॉर्मल होता है, जो आपको पता होता है, हर जगह होता है। आइए देखो, LT केबल आपको देखने को मिला, HT केबल आपको देखने को मिला, कम्युनिकेशन केबल जो होता है ऐसी है। तो उसके बाद ये सारे बनाती है प्रोडक्ट कंपनी। और यहाँ पर आप देख सकते हो अपकमिंग प्रोडक्ट भी इनके पास है, देख लो, अपकमिंग भी है, मतलब ये नए प्रोडक्ट है जो कंपनी ये और बना के लाने वाली है मार्केट में। तो ये हमारे लिए कितनी बड़ी और कितनी अच्छी खबर है, आप सोच लो कितनी बड़ी और अच्छी खबर है। नए प्रोडक्ट भी ये कंपनी लॉन्च करने वाली है, और ये भी देखोगे तो पूरे भारत में काम कर रही है, धीरे धीरे पूरे भारत देश में धीरे 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 फैलते जा रही है कंपनी, और ये ज़्यादातर गवर्नमेंट के लिए काम करती है कंपनी। अब आइए देखते हैं ये कंपनी, ये किस टाइप की वायर बनाती थी कंपनी, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आपको पता चल जाएगा HT सही है, LT आपको देखने को मिल गया, और ये जो हाई वोल्टेज है तो वो भी बनाती है नॉर्मल वायर, लेकिन वो भी धीरे धीरे आने वाले दिन में हाई वोल्टेज वाले बनाने देखने को मिल जाएगी, समझ रहे हो। तो ज़्यादातर अगर आप देखोगे तो आप सेम वायर ही कंपनी बनाती है, थोड़ा सा डिफरेंस। भाई क्या बात कर रहे हैं हम लोग, ये 18,000 करोड़ की कंपनी। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको कोई 18,000 रुपीज़ देगा, कितना 18,000, और कोई आपको 100 रुपये देगा, तो फ़र्क है या दोनों बराबर है? बोले को भाई ये फर्क बहुत फर्क है कि नहीं फर्क है? अगर आपको कोई 100 रुपये की सैलरी देगा एक महीने में, और कोई आपको 18,000 की सैलरी देगा, तो फर्क है, बहुत फर्क है। बोलेंगे भाई फर्क बहुत फर्क है। उसी तरीके से वो कंपनी केवल 100 करोड़ की है, फिर भी देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम काम कर रही है। मैंने सोचा कि आपको यहाँ पर बता दूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर अगर आप देखो तो कंपनी का नाम देख सकते हो, वी मार्क इंडिया लिमिटेड है। 44 रुपीज़ की आपको 44 रुपीज़ में आपको देखने को मिल रहा, और उससे भी ये दमदार कंपनी आपको आने वाले दिनों में अच्छा रिटर्न निकाल के देगा। किससे? KEI इंडस्ट्री से। इससे भी अच्छा रिटर्न निकाल के देता हुआ नजर आएगा। पूछो क्यों? क्योंकि ये कंपनियां बड़ी बन चुकी है ना, और वो कंपनी अभी छोटी है, तो ज़्यादातर लोग इसी पे पैसे लगाएंगे। और मैंने इसका पार्ट टू आपको बताने की कोशिश किया है कि नहीं, तो फिर आपको आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। तो मैंने आपको बताया सेम काम करती है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, तो एक मिनट, तो ये कंपनी के पास काफ़ी बड़ा ऑर्डर भी है, 100 करोड़ की कंपनी है, और 100 करोड़ का ऑर्डर भी है, देख सकते हो। 117 करोड़ का तो कंपनी के पास ऑर्डर बुक भी आपको देखने को मिल रहा, देख लो, 100 करोड़ की कंपनी और 100 करोड़ का ऑर्डर है, मतलब जितनी की कंपनी है उतना का ऑर्डर है। और ज़्यादातर ये जो कंपनी है वो किसके लिए काम करती है, तो ये कंपनी जो है गवर्नमेंट के लिए काम करती है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। रेवेन्यू यहाँ पर कहाँ कहाँ से आता है, सेक्टर वाइज अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट से 40%, बाकी रिटेल से आता है, समझ रहे हो। तो ये गवर्नमेंट से ज़्यादातर देखने को मिलेगा। और ये भी देख सकते हो स्टेट वाइज अगर आप देखना चाहते हो, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ये हर जगह कंपनी काम करना स्टार्ट कर रही है। और ये कंपनी बोल रही है, क्या बोल रही है ध्यान से सुनिएगा, ये कंपनी बोल रही है कि 11,500
सही है, जो भी यहाँ पर किलोमीटर या क्या है इनका जो कैपेसिटी है ये लोग बढ़ाने वाले हैं पर एनएम के हिसाब से, ये लोग बढ़ाने वाले हैं और उसके हिसाब से जो इनको रिक्वायरमेंट पड़ेगा वो अराउंड 40 करोड़ का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, जिसके वजह से इन्होंने जो है 24 करोड़ विल बी कंज्यूम फ्रॉम द, यहाँ देख सकते हो मनी रेज बाई आईपीओ, यहाँ पर देख सकते हो, तो आईपीओ से इन लोग जो है 24 करोड़ रुपये रेज करेंगे और जो पैसा बचा हुआ रहेगा इन्होंने डेट लिया है, डेट लिया, इस वजह से यहाँ पर कंपनी में आपको डेट देखने को मिलेगा। प्रमोटर्स के पास 70% हिस्सेदारी है, कितना 70% हिस्सेदारी है और 42% प्लेज है। लोग बोलेंगे प्लेज है तो छोटी कंपनी है, ग्रो करने के लिए कंपनी ने लोन भी लिया है, आपको पता चलेगा यहाँ पर देख सकते हो 61 करोड़ का कंपनी के पास डेट है। लोग बोलेंगे सर 100 करोड़ की कंपनी है और 61 करोड़ का डेट है, ये तो गलत है। नहीं नहीं, देखिए मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर अगर आप बैलेंस शीट में देखोगे तो कंपनी के पास कितना है, तो 49 करोड़ का है कितना रिजर्व और 62 करोड़ का बोरिंग है, मतलब इनके पास जो रिजर्व है और जो बोरिंग है ये दोनों अपने आप को संभाल लेगी, मतलब कंपनी का वैल्यू आपको अलग ही बताया जा रहा है। यहाँ पर देखो ये बहुत छोटी कंपनी है तो ये कोई मतलब समझो कि एडवाइस नहीं है या कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको अपनी तरफ से एक छोटी सी कंपनी उपहार में बता रहा हूँ कि जिसके ऊपर आपको रिसर्च करना है, देखना है क्या ये सही है, तो ठीक आपको लग रहा है तो आप और रिसर्च कीजिए, ठीक है, पैसा मत लगाइएगा, और अगर आपको पैसा भी लगाना होगा तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके, और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो अपना डीमैट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आपका डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री, डिलीवरी चार्जेस तो फ्री में होगा, केवल 20 रुपीज़ लगेगा, वो भी इंट्राडे में जो हर जगह लगता है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, मिनटों में जाकर अपना डीमैट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में।